हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्या, कब, कहाँ और कैसे? आप देख सकते हैं। तो जो टॉपिक्स हम मेन इस चैप्टर में कवर करेंगे वो है कि लोग कहाँ रहते थे, लोगों की यात्रा कैसी होती थी, और तिथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम जो है कौन कौन सी चीज़ें जो मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, अभिलेख थे, इंस्क्रिप्शंस थे, उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि लोग कहाँ रहते थे। तो बेसिकली लोग जो हैं, जो सबसे पहले जहाँ लोगों के अंश पाए गए हैं वो तो हमें सबसे पहले नर्मदा तट के किनारे पर पाए गए हैं। और आप इस मैप में देख सकते हैं कि नर्मदा जो है यहाँ पर स्थित है। नर्मदा बेसिकली आप सभी को पता होगा कि गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। तो नर्मदा के बारे में हमने क्या लिखा है इसमें कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कुशल संग्राहक मतलब स्किल हंटर गैदरर्स थे, फूड गैदरर्स थे, जो आसपास के जंगलों के बारे में उनको जानकारी थी, जिस जानकारी की वजह से वो अपने भोजन की तैयारी कर पाते थे, भोजन वो वहाँ पर पका पाते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। जानवरों का शिकार भी करते थे और जंगलों में जो भी उनको फल फूल मिलते थे या कई जानवरों का शिकार करके वो लोग खाते भी थे, तो उन्हीं को वो अपने खाने की वस्तुओं में प्रयोग किया करते थे। दूसरी जगह जहाँ पर आपको जो है लोगों का अंश मिला है कि जैसे कि लोग वहाँ रहते थे उससे पता चला है, वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर। आप देख सकते हैं ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी पर। तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों वाले क्षेत्र में लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। मतलब यहाँ पर जो है सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसल जो थे उगे थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। यहाँ पर जो है भेड़, बकरी और गाय बैलों को, पशुओं को भी लोगों ने अपना पेट बनाना शुरू किया था। तीसरी जगह जहाँ आपको लोगों के अंश दिखाई देंगे वो है गारो और विंध्या पहाड़ी। अब गारो कहाँ पे स्थित है? गारो जो है उत्तर पूर्व दिशा की, भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और विंध्या कहाँ पर है? विंध्या पहाड़ जो है, विंध्या हिल्स जो है, वो जो है मध्य मध्य भारत में स्थित है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो चावल जहाँ पर सबसे पहले उगाए गए थे वो आपके विंध्य माउंटेन्स के, विंध्यास हिल्स के नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है। तीसरी जगह जहाँ पर इंसानों के अंश पाए गए हैं वो है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। और सिंधु आप लोग जैसा जानते होंगे कि इस समय सिंधु घाटी जो है पाकिस्तान में स्थित है। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। पांचवी जगह जहाँ पर आपको लोगों के अंश पाए गए कि लोग वहाँ रहते थे वो जगह थी गंगा और सोन नदी के तट के किनारे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध जो कि आजकल के टाइम में बिहार को कहा जाता है, नाम से जाना जाता था। यहाँ शासक बहुत शक्तिशाली थे और
और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे लोहों के अंश मिले हैं, वो बेसिकली जो शहर था जो गंगा के किनारे स्थित था, वो मगध शहर था, जो कि आजकल प्रेजेंट डे में उसे बिहार स्टेट के नाम से, बिहार में भी मगध एक सिटी है आज के टाइम में भी। और यहाँ के जो शासक थे, मतलब जो रूलर्स थे, वो बहुत ही पावरफुल थे और बहुत ही विशाल राज्य था उन लोगों ने स्थापित किया था। और देश यही नहीं कि सिर्फ मगध में या बिहार में ही ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसे ही विशाल राज्यों की स्थापना की गई थी। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है यात्रा। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब इसमें मैंने जो मतलब पॉइंट्स बताए हैं, वो ये बताए हैं कि लोग यात्रा क्यों करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो आप देख सकते हैं कि मेन मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जिस वजह से लोग यात्रा के लिए जाया करते थे। और ये बहुत ही इजी पॉइंट्स और इजी लैंग्वेज में मैंने लिखे हैं, तो मैं समझती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स मेरे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि देश का नाम, तो हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, मैंने यहाँ पर ये चीज़ दिखाया है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर इससे आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंद्रोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृति के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो जो पहला है कि इंडिया वर्ड कहाँ से आया, तो इंडिया वर्ड जो है 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा दिया गया है। उन्होंने ये वर्ड सिंधु को, उन्होंने हिंद्रोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित, उन्होंने जो क्या किया कि जो सिंधु घाटी पे जो नदी मतलब जो स्थित थी, लोकेटेड थी, उसको उन्होंने इंडिया का नाम दे दिया। तो वहाँ से हमें ये इंडिया नाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि आप जब वेद्स के बारे में पढ़ोगे ना, तो वेदास में भी आपको एक क्लैन मिलता है, उस क्लैन को लोग भारत क्लैन से जानते थे। तो भारत जो हमें नाम मिला है इंडिया का, वो हमें वहाँ से मिला है, भारत क्लैन से। ठीक है, अगला टॉपिक है अतीत की जानकारी के लिए स्तोत्र। आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा है अतीत की जानकारी के लिए स्तोत्र। अब अतीत की जानकारी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। पहले हुई है पांडुलिपि से, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर अभिलेख से, जिसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लिखित स्रोत, लिटरेरी सोर्सेस, और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम पांडुलिपि के बारे में पढ़ेंगे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि की कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द
मैनू, जिसका अर्थ हाथ है, निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी मिलती हैं। तो पांडुलिपि को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। सॉरी, मैंने पहले इंस्क्रिप्शन बोल दिया, पर वो मैंने गलत बोला है। पांडुलिपि को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, और ये हाथ से लिखी जाती हैं। और ये कहाँ पे लिखी जाती हैं, किस पर लिखी जाती हैं, ये जो है पेड़ पौधों के जो छाल होते हैं उन पर लिखी जाती हैं, उनको भोज पत्र बनाकर उन पर ये लिखी जाती हैं। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं इंग्लिश में। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण मिलता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये पत्थरों पे लिखा जाता है, या कोई जैसे कोई कठोर वस्तु हो ना उस पे ही लिखा जाता था। वैसे तो ऑलमोस्ट पत्थरों पे ही लिखा जाता था, क्योंकि पत्थर से ज्यादा तो कठोर कोई चीज है नहीं, उसी पे लिखा जाता था। और इस पे शासक क्या लिखवाते थे, शासक अपनी जीत लिखवाते थे, अपनी विक्ट्रीज लिखवाते थे और अपने आदेश लिखवाते थे, ताकि सब जनता को उनके आदेश पहुंच जाएं, और अपनी प्रशंसा भी वो उस पर लिखवाया करते थे। लिखित स्तोत्र। तो लिखित स्तोत्र क्या-क्या थे? महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक इत्यादि। इनमें से कई संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल में भी लिखी जा मिलती हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो लिखित मतलब लिटरेरी सोर्सेस हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें आपको जो है उनके एक्ट से मिले हैं, जो उन्होंने प्ले मतलब उनकी कविताओं से मिले हैं, नाटकों से मिले हैं। और ज़्यादातर ये नाटक जो हैं संस्कृत या प्राकृत भाषा में या तमिल भाषा में लिखे गए हैं, और प्राकृत जो है उस टाइम पे आम लोगों की भाषा हुआ करती थी। पुरात्विक साक्ष्य। पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों के अवशेष इत्यादि प्राप्त हुई। इनमें औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मोहरबे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। मोहरबे मतलब मोहरे। इसके अलावा जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की अस्थियां इत्यादि भी प्राप्त हुई। पुरातत्व मतलब आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एग्जीबिशंस की डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, तो खोदने के बाद उन्हें ये चीजें मिली जो हमें बताता है कि एंशियंट टाइम्स में लोग कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है अतीत, एक या अनेक। अब जो पास्ट के मायने थे वो हर आदमी के लिए अलग अलग हुआ करते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जैसे आज हमारे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल ये दिया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में आज भी जो जहाँ वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना खाना जंगलों से ही, जो उनको मिलता है जंगलों से फल फूल पेड़ पौधे या जानवर, उसी से पकाते हैं। और हम जो लोग शहरों में रहते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे निर्भर रहते हैं। गांव में लोग खेती करते हैं, वहां से फिर अनाज शहरों में आता है, फिर शहरों में हम जाके दुकानों पर जाकर हम खरीदते हैं। हमें किसी जंगल में जाके अपना खाना ढूंढना नहीं पड़ता, ना पेड़ पौधों को काटना पड़ता है, ना किसी जानवर को मारना पड़ता है। हमें अपने आप ही ऐसे प्रोसेस हमारे गवर्नमेंट ने कर रखा है कि हमें दुकानों पर ही जाकर खाने की सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। अगला टॉपिक है तिथियों का महत्व या मतलब। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मैंने यहाँ लिखी हैं, आप देख सकते हैं।
पहला है कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4,700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2,500 वर्ष पूर्व और वर्तमान लगभग 2,000 वर्ष पूर्व। ये डेट्स आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका नॉर्मली एग्जाम स्कूल का क्यों ना हो, फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, जो कि मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम अपनी डेट्स को कैलकुलेट करते हैं। अतः 2,000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2,000 वर्ष के बाद से ही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियां ईपू के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो जो डेट्स ईसा मसीह के जन्म होने से पहले हैं, उन डेट्स को हम हिंदी में ईपू के सिंबल से रेफर करते हैं। और इस बुक में ज़्यादातर, मतलब हम आगे भी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें वर्तमान से हम पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, मतलब हम उल्टा जाएंगे। जैसे कि आज आज की डेट में 2022 ईयर चल रहा है, तो जो ऐसे इस बुक में जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें डेट्स हमारी आगे की नहीं पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे 2000 के बारे में, 96 के बारे में, 1996 के बारे में, 1918 के बारे में, 1818 के बारे में, उन ईयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो उनको हम ईपू सिंबल से रेफर करेंगे। उसके बाद है इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बीसी बोलते हैं, यानी कि बिफोर क्रिस्ट का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तिथियों से पहले एडी, हिंदी में एडी को ई से डिनोट करते हैं, लिखा पाते हैं। ये एनो डोमिनो नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एनो डोमिनो को हम रेफर करते हैं जो कार्य ईसा मसीह के जब जन्म हुआ था उस वर्ष में हुए हैं, तो उसको हम एडी से डिनोट करते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक मेरा बेसिकली आप लोगों को, मैंने इंग्लिश में तो पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं, आज मैंने हिंदी में नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी चैप्टर्स के नोट्स डालूं या सॉल्व एक्सरसाइजेस डालूं, चाहे वो एनसीईआरटी लेवल के हों, किसी क्लास के हों, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या फिर वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, या मैं किसी बुक की समरी डालूं, तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्दी मिल जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।